हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं पहली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और लेजर क्रिएट करते समय हमें क्या-क्या करना होता है, वो आज के क्लासेस में एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आप बता, प्री डिफाइन ये सब पढ़ा दिया था ना हमने? यही बताना था। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, लेजर क्रिएशंस के बारे में क्या बताया जा रहा, समझिए। कहा जा रहा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। बोलो, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, जो हम सौदा करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? लेजर बनाना पड़ता है। और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। मतलब चाहे किसी भी पार्टी का हम लेजर बनाएं, ध्यान देना, चाहे हम किसी भी पार्टी का लेजर बनाएं, वहां पे आपको ग्रुप ध्यान में रख के ही बनाना होगा। चार सब अकाउंट का ध्यान रखना होगा। अगर चार सब अकाउंट का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे चल के क्वेश्चन दिक्कत कर देगा, और हमारा जो क्वेश्चन किए रहेंगे उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। और चार्ट सब अकाउंट का क्या मतलब है, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि प्री डिफाइन कितने होते हैं, 28 पढ़ाया था ना, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। अब उसके अंदर जितना बनाना बना सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लेजर बनाएंगे वह चार सब अकाउंट जो पहले से प्री डिफाइंड जो हमारे कितने होते हैं, 28 होते हैं, या बाद में जो हम लोग बनाएंगे उन्हीं में हमको रखना होता है। क्योंकि जब तक उसको सही से रखेंगे नहीं, तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता। और लेजर बनाते क्यों है, क्योंकि बिना लेजर बनाए हम कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन हम कर नहीं सकते। आज जब कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आगे कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते, कुछ हम बना नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं, इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 श्रेया ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल 3,12,000 एंड प्लेनर बिल्डिंग 4,50,000। जो सूर्या ट्रेडर्स हैं वह कैपिटल कैश कितना लगा है, 10,12,000, और लैंड एंड बिल्डिंग का 4.5 लाख, 4,50,000। अब मान लो इसका लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। किसका किसका लेजर बनाना पड़ेगा? कैपिटल का। और दूसरा जी, तो जाहिर सी बात है कैपिटल को हमको डिसाइड करना पड़ेगा वह कहाँ जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग को डिसाइड करना हुआ कहाँ जाएगा। तो आप बताओ, कैपिटल का लेजर बनाते समय किसका क्या ग्रुप रहेगा, इसका इसका ग्रुप क्या रहेगा? तो कैपिटल का जो ग्रुप रहेगा वह कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। अब चाहे वो प्रोपराइटर का कैपिटल हो, चाहे पार्टनर कैपिटल हो, या चाहे शेयर कैपिटल हो, अगर लग रहा है वो कैपिटल से रिलेटेड है तो उसका ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। अब चलो, लैंड एंड बिल्डिंग जो दिख रहा है उसका ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा? एसेट्स रहेगा। लेकिन कौन सा एसेट्स रहेगा? फिक्स एसेट्स रहेगा। क्लियर है आपको? मतलब अगर जब तक आप लेजर नहीं बनाओगे और ग्रुप सही से नहीं सिलेक्शन करना सीखोगे, तब तक आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए आते हैं, और लेजर हम दो बनाते हैं। सबसे पहले एक कैपिटल अकाउंट का, तो ये प्रोपराइटर के द्वारा लगाया था, लिखूंगा प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, और जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग लग रहा है उसका अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए बना के देखते हैं। बनाने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है। पहले हमने ओपन कर दिया। अब टैली ओपन करने के बाद से आप अपना कंपनी भी ओपन कर लेना। मैंने कंपनी भी ओपन कर लिया है। अब हमको कहाँ जाना है, क्रिएट में। कहाँ ना बाबू?
क्रिएट में, और क्या बनाना बताइए जी? लेजर बनाना था, आ जाना है कहाँ पे? लेजर में। और किसके नाम से लेजर बनाना है जी? तो लिखेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या है इसका? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आ जाना नीचे। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख 12 हजार। हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे तुरंत क्या आ गया है यहाँ पे? क्रेडिट। तो मैंने बताया था ना कैपिटल का अमाउंट हमेशा क्या होता है? चलिए तो जैसे वहां पे ग्रुप सही सेलेक्ट किया अपने आप, देखो यहाँ पे आ गया। अब इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट। अगला जी बिल्डिंग क्या बनाना है हमको? क्या है हमारे व्यापार के लिए? फिक्स्ड एसेट्स। जीएसटी अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल? कितना रुपया? 4,50,000। हो गया। चलो ऐसे बना ले जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत? चलो दो तो हमने बना दिया, चार और दिया बनाने के लिए। देखो कहाँ कहाँ कैसे जाना बनाना सब दिया इसमें भी, दो बना के दिखा दिए ना। अब देखो चार और दिया बनाने के लिए, देखो यहाँ पे दो या और दो या। फिर आपको तो पहला किसका बनाना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। दूसरा हॉरिजन इंटरप्राइजेज, सिल्वर प्लस कंप्यूटर और लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। चलो थोड़ा सा एक जगह सुधार कर लो, यहाँ पे जो लिखा है 36,450, वहां पे थोड़ा आप लोग सुधार करके लिख लीजिए। जी 34,650। चलिए सही करिए, 36,450 को चार पहले कर दो, छह बाद में कर दो, हो जाएगा। चार पहले कर दो, छह बाद में कर दो, 34,650 उसी में सुधार कर लीजिए। हो गया। अब देखो क्या लिखा है समझो, यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर केयर सिस्टम और ग्रुप नेम क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप बताओ यह जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है वो हमारे व्यापार के लिए क्या है? क्या है बताओ जी? सभी लोग बताएं। एसेट्स। वाह रे वाह, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। हाँ और दो चार को। कंप्यूटर केयर सिस्टम और लिखा गया ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब ये जो सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारा दिख रहा है और जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है, सन्ड्री क्रेडिटर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे ये सप्लायर है, इनसे माल हम हमेशा खरीदते हैं, तो इसीलिए हम इसका लेजर बना रहे हैं कि आगे चल के पीछे जब इनसे लेन देन करूंगा तो बार बार हमको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे क्या है? सप्लायर है, और एक बार बना लेते हैं उसका प्रयोग बार बार करते हैं। लेकिन अभी भी 34,650 रुपया पिछले साल का क्या है? बकाया है। तो ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, मतलब 31 मार्च में 34,650 रुपया बकाया था, ठीक है, पिछले साल का। अब इस साल हम फिर से उसका लेजर बना रहे हैं तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि 34,650 रुपया बकाया है, लेकिन
सिस्टम क्या रहेगा, आपको पहले बनाना है कंप्यूटर केयर सिस्टम, ग्रुप रखना है सन्ड्री क्रेडिटर, और ओपनिंग वाले जो पूछेगा रखना है 34,650। इस अगला है हॉरिजन इंटरप्राइजेस, ये भी हमारे क्या है, सप्लायर है, तो बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर और जो अमाउंट रहेगा भर देंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो मैं दो बना के दिखा दिया, चलो इसमें भी एक और बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें देखो कुछ ऑप्शन बढ़ जाते हैं, ये बताना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाता हूँ फिर से यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम को कॉपी, और इसको कर दिया पेस्ट, इंटर दबाएंगे। अगला क्या है, अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप इसका क्या है, तो हमने बताया है कि आप कंप्यूटर केयर सिस्टम हमारे क्या है, सप्लायर है, इसीलिए सन्ड्री क्रेडिटर। हो जाएगा। और यही बताइए, एक ऑप्शन दिया है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, तो हमेशा इसको यस रखेंगे, क्योंकि जब तक यस नहीं रहेगा तब तक आगे चल के हम लोग किस बिल का, इनसे कितने का खरीदा गया, कितने का बेचा गया, सारा स्टेटमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे और आगे चल के दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यस ही रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे, और कुछ डिटेल देना नहीं है, ओपनिंग बैलेंस जो है डाल देंगे 34,600। अब कह रहे बिल वाइज ब्रेकअप कर दीजिए, अभी कुछ नहीं देना है, आगे का टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए इंटर एक्सेल। हो जाएगा, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखो सिल्वर प्लस, ये भी बना लेना। एक और बना देता हूँ, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, क्यों, क्योंकि जरूरी है। अब ये कौन सा लोन है, सिक्योर लोन, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। कितना पैसा, 6,75,000। तुम्हें 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 ही दिखाऊं, ठीक है बाबू, बना ले जाओगे। अब देखो यह तो तरीका था बनाना, मतलब लेजर कैसे बनाएंगे, और याद करो मैंने ऐसे ही कंपनी बनाना बता दिया था, और लेकिन बाद में फिर से बताया था कि अगर उसमें कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना है तो कहाँ पे जाएंगे, अल्टर करेंगे, और देखना है तो कहाँ जाएंगे, अल्टर ही करेंगे, बताइए। तो वैसे ही जब हम लोग लेजर बना लेते हैं और उसको एक बार में सब शो करके देखना हो कि अभी तक हमारी कंपनी में, हमारे टैली सॉफ्टवेयर में कितना लेजर बना हुआ है, और उसमें अगर कुछ गलती कर दी है, सुधार करना है, ठीक है, या उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, उसको अल्टर मोड में ओपन करना होगा। इस मोड में, अल्टर मोड में ओपन करना होगा, तभी हम लोग आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा और क्या इसके स्टेप है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना समझना और देखना। देखो लिखा गया है, अगर हम किसी भी लेजर में कोई करेक्शन मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया इस पे कि नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ओपनिंग बैलेंस से दिया उतना ही, मतलब पैसा तो उतना ही है, लेकिन गलती से जहाँ पे लिखना था HDFC वहां पे क्या लिख दिया था, एक्सिस बैंक। तो चलिए अब इसको सुधार कर लेते हैं। कॉपी किया, अब आ जाएंगे टैली पे, अब लिस्ट देखना, तो बैक आएंगे, बैक आएंगे और बैक आएंगे, और कहाँ पे आएंगे, अल्टर, यहीं पे दिख रहा है, अल्टर में आने के बाद कहाँ आएंगे, लेजर, और उसके बाद से किस लेजर में चेंज करना है,
लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इंटर दबा दिया और यहाँ पे ले लेना लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। लोन लिया आपने, ये लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी। बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं ना वो क्या है, एक्सपेंस नहीं है। अब लोन लेके व्यापार में हम लोग खर्च करो अलग बात है, बैंक से लोन लिया है तो लोन लाइबिलिटी जो होता हमारा, उसे बोलते हैं लोन लाइबिलिटी। हाँ क्रेडिट होगा, हो जाएगा बाबू, चेंज कर दिया ना। अब वही अगला दिया है, डिलीट करने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे सब बता रहे, तो हम बता चुके हैं। डिलीटिंग लेजर दिख रहा है ना आपको, मतलब उस लेजर को अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना एक कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन यह है कि जो आप लेजर बना दिए और लेजर बनाने के बाद से अगर तुम सोच रहे हो उसे कोई ट्रांजेक्शन कर दिया हो, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और उसके बाद से लेजर डिलीट करना, तो टैली में वो लेजर डिलीट नहीं किया है। मतलब आज मेरे नाम से एक अकाउंट खोल दी और आज ही मैंने आपसे कई सारा माल खरीदा और पैसा दिया, ठीक है, और आप उसको चढ़ा दिए और चढ़ाने के बाद अब तुम सोच रहे मेरा नाम हटा दे वहां से, लेजर हटा दे, अकाउंट को डिलीट कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अब संभव कब है, तो पूरा जैसे जैसे आप क्वेश्चन किए हो, बिल काटे हो, वैसे धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, सारा उसको डिलीट करना पड़ेगा। और सारा क्वेश्चन जब डिलीट हो जाएगा तब लेजर डिलीट करोगे, लेजर डिलीट होगा, अन्यथा वैसा लेजर डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ना किया हो तो, मतलब अगर कोई लेजर बना दिया और कोई क्वेश्चन नहीं किया हो, अब करने जा रहा हूं लेकिन अचानक पता चला उसको नहीं रखना, डिलीट करना, अचानक पता चला उसको नहीं रखना, क्या करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, डिलीट किया जा सकता है, क्या किया सकता है, डिलीट किया जा सकता है। चलो बताओ आज हमने अभी क्वेश्चन किया है क्या, नहीं किया है, तो चाहूंगा तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, तो आगे मैं क्वेश्चन रिकॉर्ड करना भी बताऊंगा और फिर से डिलीट करना भी बताऊंगा। आज चलो हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया फिर भी हम लोग डिलीट करते हैं, तो उसी के बारे में अब लिखा गया देखो कि यदि हम किसी भी लेजर को डिलीट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी लेजर को डिलीट करने के पहले उसे अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से क्या दबाते हैं, अल्टर डी बटन प्रेस करते हैं और लेजर को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी उस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिलीट करना पड़ेगा, मतलब फिर भी डिलीट करना चाहते हैं तो जितना हमने क्वेश्चन किया है वो सारा डिलीट करेंगे तब डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट। क्लियर है, बोलो, चलिए करके दिखाओ, बोलो, चलिए आ जाता हूं बैग कहाँगा, अल्टर, उसके बाद अब मान लो हमको यही का जो कंप्यूटर केयर जो बना है उसको डिलीट कर देना है तो क्या करेंगे, और अल्ट लो कर दिया, यस गायब हो गया। देखो कर ले जाओगे, बोलो नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें अगला क्या बताया जा रहा है, इसमें ग्रुप, बोलो। अब हमने ग्रुप के बारे में देखो कुछ बताया जा रहा है, कर टैली प्राइम में टोटल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 की तो कौन से हैं प्राइमरी और 13 क्या है सब ग्रुप, और 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 ग्रुप बैलेंस शीट के पार्ट है, मतलब जो 15 प्राइमरी है ना उसमें से 9 ग्रुप क्या है जी बैलेंस शीट के पार्ट है, और शेष 6 ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट है, और इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं।
मतलब इस 15 का इस्तेमाल करके हम अकाउंटिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन 15 के अलावा 13 और बनाया गया है, हम उन 15-13 के अलावा और भी बना सकते हो। बोलो, टोटल तभी तो 28 दिया है। अब चलिए, अगर आपको देखना है रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो देखो कहाँ जाओगे, गेटवे ऑफ हेल। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद स्टेटिक्स, उसके बाद ग्रुप। चलो देख लेते हैं कि नहीं। बैंक कहाँ आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में है, कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स अकाउंट, उसके बाद स्टेटिक्स। देखो है 28, बोलो, इंटर दबा देते हैं। यही यही ग्रुप है। कर ले जाएंगे। चलिए हम बना के दिखाते ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता बता दिया हूं ना, बोलो। सेम नेचर वाले जितने लेजर होंगे एक जगह उसको रखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नीचे और क्या दिया है, ग्रुप क्रिएशंस। और बताया जा रहा है कि यदि हम किसी भी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप में के अंतर्गत बनाना होता है। जैसे यदि हमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ग्रुप को करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत बनाना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। मतलब क्या है, मैंने बताया था कि पहले से कितने होते हैं, 28 होते हैं, ठीक। फिर भी इनके अलावा भी आप 10, 15, 20, 50, 100 बना सकते हो। लेकिन जो भी बनेगा किसके अंदर बनेगा, प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनेगा, जो पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप पाया जाता है, समझे। अब वही हम बनाने वाले हैं। तो क्या बनाने वाले हैं, तो एक बनाने वाले हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप हमारे टैली में नहीं रहता है, हमको खुद बनाना पड़ता है। आप कहो सर यह क्या होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मैंने बताया था, बैलेंस शीट में ही बताया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब, एक्सपेंस का मतलब वो बकाया राशि जो उस फाइनेंशियल ईयर में हमने नहीं दिया, देना है कब, अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको क्या दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंस हमारे व्यापार के लिए अगर नहीं दिया तो क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा ना जी। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनाएंगे और उसका जो मेन ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज क्लियर है सबको। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो बहुत सिंपल है, क्या बनाना है, कौन सा ग्रुप बनाना है, आउटस्टैंडिंग का। तो सिंपल है, अब आएंगे फिर से कहां पे, क्रिएट, उसके बाद लेजर, ग्रुप बनाना, ग्रुप में जाएंगे ना। पहले ऑप्शन क्या दिया है, ग्रुप, और क्या बनाना पाला, बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है हमारे व्यापार के लिए, लाइब्रेरी। हो जाएगा, बन गया, कुछ नहीं करना है, और बनाना है, और दिया है, डेबिटर साउथ और डेबिटर नॉर्थ। क्या है, क्या पीछे पड़ा है।